ये कहानी है 1906 की, जहाँ चाइना के मंचूरिया के पहाड़ों में कुछ अभियानकारियों को दिखाया जाता है, जिन्हें अलेक्जेंडर सेक्सटन नाम का एक जियोलॉजिस्ट लीड करता है। फिर एक गुफा में उसे एक एपमैन की बर्फ में दबा हुआ बॉडी मिलता है, जिसे एक क्रेट में बंद करके कहीं ले जाया जाता है। फिर सीन चेंज होता है एक स्टेशन पर, जहाँ अलेक्जेंडर स्टेशन मास्टर से टिकट के लिए बहस कर रहा होता है। फिर उसी रूम में आते हैं और दो इंसान, जिनमें से एक अलेक्जेंडर को पहले से ही जानता है, डॉक्टर वेल्स, और उनके साथ उनकी असिस्टेंट मिस जोन्स, जो एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट होती है। अगले सीन में एक चोर को दिखाया जाता है, जो एक पहरेदार के पास जाके उसे किसी तरह भगा देता है और पास में पड़ा हुआ बॉक्स का ताला तोड़ के कुछ चोरी करने की कोशिश करता है। तभी वो पहरेदार आके देखता है बॉक्स का ताला टूटा हुआ है और पास में उस चोर का लाश गिरा हुआ होता है, जिसकी आंखें पूरा सफ़ेद हो चुका होता है। फिर उस लाश के पास एक प्रीस्ट को दिखाया जाता है, जो इंस्पेक्टर से पूछता है कि ये चोर कैसे हो सकता है, ये तो अंधा है। फिर इंस्पेक्टर कहता है ये चोर 1 माइल दूर से भी पुलिस को पहचान सकता था। प्रीस्ट को शक होता है कि उस बॉक्स में कोई सैटैनिक चीज़ है, इसलिए वो इंस्पेक्टर को हटा के बॉक्स की तरफ जाता है उसे खोलने के लिए, पर तभी अलेक्जेंडर उधर आके उसे रोक लेता है। फिर प्रीस्ट बोलता है जहाँ गॉड होता है वहाँ सैटन नहीं होता। फिर वो ज़मीन पर क्रॉस बनाता है। उसके बाद वो बॉक्स पे जब क्रॉस बनाने जाता है वो दिखाई नहीं देता। ये देखकर अलेक्जेंडर बोलता है रविश ये मैजिक ट्रिक था। फिर वो क्रेट को ट्रेन में ले जाने का ऑर्डर देता है। अब ट्रेन स्टेशन से छूट जाती है, तभी कमरे में एक औरत दिखाया जाता है। वो औरत बैगेज मैन को कुछ देती है सेफ में रखने के लिए। फिर वो अलेक्जेंडर से पूछती है कि उस क्रेट में क्या है, क्योंकि उसकी डॉग बहुत डर रही होती है, और वो देखने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन अलेक्जेंडर उसे रोक लेता है और बोलता है आइए मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देता हूँ। अगले सीन में दिखाया जाता है अलेक्जेंडर को एक चेस की पीस मिलता है। फिर वो चेस प्लेयर को वो लौटा देता है। फिर वो चेस प्लेयर अलेक्जेंडर को बताता है कि वो प्लेटफॉर्म में तब था जब प्रीस्ट ने बॉक्स पर क्रॉस बनाया था, और ये भी बताता है वो एक साइंटिस्ट है। फिर अपने जेब से एक चौक निकालता है, फिर बोलता है ये वही प्रीस्ट का चौक है, ये एक ऑर्डिनरी चौक है, आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर अलेक्जेंडर गुस्से में कहता है हिप्नोसिस, फिर कमरे से चला जाता है। इधर लगेज रूम में डॉक्टर बैगेज मैन को पैसा देता है उस क्रेट में झांकने के लिए। अगले सीन में हमें नताशा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो विदाउट टिकट सफ़र कर रही होती है। फिर वो डॉक्टर से मदद मांगती है और डॉक्टर उसे हेल्प करता है। इधर बैगेज मैन को दिखाया जाता है क्रेट को खोलते हुए। क्रेट खोलने के बाद जब वो अंदर झांकता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता अंधेरे की वजह से। फिर वो लैंप लाने जाता है, तभी अंदर से एप मैन का हाथ निकलता है, फिर पास में पड़ा हुआ पिन से चोर की तरह लॉक खोल देता है। तभी बैगेज मैन ये देख लेता है, और एप मैन जब वो बॉक्स की चेन को खोलने जाता है तभी बैगेज मैन जाके उस चेन को पकड़ लेता है। फिर जब वो एपमैन की तरफ देखता है उसकी आंखें भी सफ़ेद हो जाता है और वो मर जाता है, और एपमैन क्रेट को खोल के भाग जाता है। अगले सीन में इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है जो क्रेट के पास खड़ा रहता है, क्योंकि बैगेज मैन गायब रहता है। फिर उस रूम में अलेक्जेंडर और डॉक्टर को बुलाया जाता है। इंस्पेक्टर अलेक्जेंडर से चाबी मांगता है और कहता है मुझे देखना है इसके अंदर क्या है, क्योंकि एक आदमी का मौत हो चुका है और एक आदमी अभी गायब है। फिर वो चाबी को विंडो के बाहर फेंक देता है। ये देख के इंस्पेक्टर ताला को तोड़ने का ऑर्डर देता है। इंस्पेक्टर क्रेट को खोलने के बाद जब अंदर झांकता है फिर वो देख के हैरान हो जाता है कि बैगेज मैन का लाश अंदर पड़ा है। ये देखकर डॉक्टर अलेक्जेंडर से पूछता है कि सच में बताओ इसके अंदर क्या था। फिर अलेक्जेंडर बोलता है 2 मिलियन साल पुराना एप मैन का एक बॉडी था। फिर डॉक्टर बोलता है तुम मुझे बोल रहे हो एक एप मैन जो अभी ज़िंदा हो गया है और उसने बैगेज मैन को मारकर फिर उसे क्रेट में डाल के ऊपर से लॉक कर दिया। अलेक्जेंडर गुस्से में आके बोलता है हाँ हाँ शायद वो ज़िंदा हो गया है। फिर इंस्पेक्टर कहता है वो अभी ट्रेन में ही होगा, हमें उसे ढूंढ के मारना होगा, और ये बात ट्रेन में कोई भी पैसेंजर जान ना पाए क्योंकि हम उन्हें पैनिक में नहीं डालना चाहते। फिर ट्रेन में कुछ सिपाही मिल के एप मैन को ढूंढने लगते हैं, तभी एपमैन एक सिपाही को मार के भाग जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है डॉक्टर और नताशा डिनर टेबल में बैठे हैं।
फिर वहाँ पर साइंटिस्ट आता है। साइंटिस्ट नताशा से पूछता है कि उसने उसे कहीं देखा है। नताशा बोलती है, माफ़ करना, शायद आपने किसी और को देखा होगा। तभी इंस्पेक्टर डॉक्टर के पास आके बोलता है बैगेज मैन का पोस्टमार्टम करने के लिए। बैगेज मैन का ब्रेन एकदम स्मूथ होता है। यह देखकर डॉक्टर कहता है, जब हम कुछ नया सीखते हैं तब हमारे ब्रेन में रिंकल्स आ जाते हैं, पर इसका ब्रेन एकदम स्मूथ है, लगता है किसी तरह इसका मेमोरी इरेज हो गया है। उनके जाने के बाद एप मैन को दिखाया जाता है जो ट्रेन में कहीं छुपा हुआ था। नताशा डॉक्टर को बोलती है मैं वॉशरूम से आती हूँ। फिर वो वॉशरूम जाने के बहाने लगेज रूम में जाती है, जिसके अंदर से वो काउंटेस आइडिना की रखी हुई वो कीमती चीज़ चुरा लेती है। फिर जब वो पीछे मुड़ती है, एप मैन उस पर अचानक हमला करके उसे मार डालता है। नताशा को लेट होता देख डॉक्टर वॉशरूम में आकर नॉक करता है, फिर देखता है दरवाज़ा खुला है। फिर वो पास वाले लगेज रूम में जाता है। दरवाज़ा खोलते ही एप मैन अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचने लगता है। फिर वहाँ पर इंस्पेक्टर आता है जो एप मैन के ऊपर गोली चलाता है, पर एप मैन मरते मरते इंस्पेक्टर की आंखों में देख लेता है। फिर इंस्पेक्टर को कुछ होने लगता है। फिर वो बेहोश होने से पहले एप मैन को एक और गोली मार के मार डालता है और खुद भी बेहोश हो जाता है। इंस्पेक्टर को होश आते ही अपने दोनों हाथों को देखने लगता है। तभी दरवाजे पे नॉक होने से वो अपने हाथ को छुपा लेता है। फिर कमरे में आता है अलेक्जेंडर। वो इंस्पेक्टर को बोलता है नताशा एक इंटरनेशनल स्पाई थी जो कि उसे साइंटिस्ट ने बताया था, और ये भी बोलता है डॉक्टर वेल्स के साथ मैंने नताशा की ऑटोप्सी भी किया, उसकी ब्रेन भी बैगेज मैन की तरह स्मूथ थी, यानी उसकी मेमोरी भी मिटाया गया है। पर मेरे पास एक थ्योरी है कि उस जानवर में एक ऐसी पावर है जो किसी भी इंसान की आंखों में अगर डायरेक्ट देख ले तो उसका मेमोरी मिटा सकता है और नया मेमोरी डाल भी सकता है, वो भी अपने आँखों से, और इसीलिए सबका आँखें सफ़ेद हो जाता है। फिर उस कमरे में कंडक्टर आता है और इंस्पेक्टर को वो कीमती चीज़ दे के बोलता है कि ये मुझे उस जानवर के पास मिला। फिर इंस्पेक्टर कहता है, हाँ मुझे पता है, ये काउंट पेट्रोव्स्की की है। फिर कंडक्टर पूछता है, आपको कैसे पता? फिर इंस्पेक्टर कहता है, मैंने उन्हें देखा सेफ में डालते हुए। ये सुनकर अलेक्जेंडर को शक हो जाता है क्योंकि उसने देखा था काउंटिस आइडिना ने उसे सेफ में डाला था। फिर अगले सीन में काउंट पेट्रोव्स्की को दिखाया जाता है और उसके हाथ में वो कीमती चीज़ होता है जो और कुछ नहीं स्टील होता है, और वो कहता है किसे बनाने का फॉर्मूला सिर्फ मेरे दिमाग में है। फिर काउंटिस आइडिना इंस्पेक्टर से पूछती है कि उस स्पाई लड़की का क्या हुआ। इंस्पेक्टर बोलता है उस जानवर ने उसे मार दिया, पर चिंता की कोई बात नहीं, मैंने उस जानवर को भी मार दिया। फिर इस कमरे में प्रिस्ट को दिखाया जाता है जो इंस्पेक्टर को बोलता है, तुम्हें क्या लगता है शैतान कभी मर सकता है क्या? फिर इंस्पेक्टर कहता है, मैंने उसके बॉडी में चार चार बुलेट मारे। फिर प्रिस्ट बोलता है, शैतान को कभी बुलेट से नहीं मारा जा सकता। फिर वो वहीं पे प्रे करने लगता है, लेकिन उसके सामने वाला जो कैंडल होता है वो बुझ जाता है और जीसस क्राइस्ट का फोटो भी नीचे गिर जाता है। अगले सीन में अलेक्जेंडर को दिखाया जाता है जो उस एप मैन की आंखें निकाल रहा होता है टेस्ट करने के लिए। फिर वो उस आंखों से फ्लूइड निकाल के माइक्रोस्कोप में देखता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसमें इंस्पेक्टर की फ़ोटो दिखती है। फिर अलेक्जेंडर बोलता है, जानवर की मेमोरी सिर्फ उसके ब्रेन में ही नहीं उसकी आंखों में भी है। अब डॉक्टर उस फ्लूइड को माइक्रोस्कोप में देखता है और कुछ डायनासोर्स का फोटो दिखता है उसे, और पृथ्वी का भी फोटो देखता है स्पेस से लिया हुआ। फिर उनको यह पता चलता है कि यह जानवर इस दुनिया का नहीं है। फिर उस रूम में काउंटिस आइडिना आती है। अलेक्जेंडर उसे कहता है एक बार माइक्रोस्कोप में देखने के लिए। उसे देखने के बाद वो प्रिस्ट को बुलाती है। फिर वो अलेक्जेंडर से पूछता है, ये तुम्हें कहाँ से मिला? अलेक्जेंडर बताता है उस आँख से। फिर वो आँख की तरफ देख के बताता है ये आँख शैतान की है। तभी कमरे की लाइट चली जाती है। लाइट आने के बाद सब लोग देखते हैं प्रिस्ट उस आँख को लेके भाग गए। अगले सीन में दिखाया जाता है मिस जोन्स प्रिस्ट को लगेज रूम में ढूंढने आती है जो वहीं पे छुपा रहता है। तभी इंस्पेक्टर पीछे से आके मिस जोन्स को डरा देता है। तो इंस्पेक्टर उनसे पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रही है। फिर वो आँख के बारे में और प्रिस्ट के बारे में सब कुछ बता देती है। तब इंस्पेक्टर पूछता है ये सब फोटोज और किस किस ने देखा है। तब वो बताती है अलेक्जेंडर, डॉक्टर और काउंटेस। ये सब इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वो मिस जोन्स को भी मार डालता है। ये सब देखने के बाद प्रीस्ट उस आँख को इंस्पेक्टर को लौटा देता है और पूछता है क्या आप मुझे भी मार डालेंगे? फिर इंस्पेक्टर आँख को जलाते हुए बोलता है ना समझ, तुम्हारे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे काम आए। तभी इंस्पेक्टर रूम से निकल नहीं जाता है और सामने अलेक्जेंडर, डॉक्टर, आइडिन और कंडक्टर आ जाता है।
और तभी इंस्पेक्टर बोलता है एक और खून हो गया। अगले सीन में दिखाया जाता है अलेक्जेंडर डॉक्टर को बोलता है अगर ये जानवर सच में मर चुका है तो मिस जोन्स को किसने मारा। तब इंस्पेक्टर पीछे से आता है, पूछता है तुम्हें कुछ पता है इसके बारे में। अलेक्जेंडर बोलता है मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैंने कंडक्टर को बोल दिया है अगले स्टेशन में ट्रेन को रोकने के लिए। ये सुनकर इंस्पेक्टर कंडक्टर के रूम में आता है, फिर उसे भी मार डालता है और उसे विंडो से फेंकने ही जाता है। तभी प्रीस्ट आ जाता है और उसे पूछता है कि तुम बताओ तुम कौन हो, मैं तुम्हारा सेवा करूंगा। फिर इंस्पेक्टर कंडक्टर को फेंक के चुपचाप उधर से चला जाता है। अगले सीन में अलेक्जेंडर कंडक्टर के रूम में आता है और वो समझ जाता है कंडक्टर भी मर चुका है। फिर वो खुद अगले स्टेशन में टेलीग्राम कर देता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कैप्टन कजान को, जिसे ऑर्डर मिला होता है ट्रेन के डेविल को मारने का। इधर इंस्पेक्टर को साइंटिस्ट के रूम में दिखाया जाता है। रूम में साइंटिस्ट के साथ एक औरत थी जो सो रही थी। फिर इंस्पेक्टर उसे ग्रेविटी के बारे में पूछता है कैसे हम ग्रेविटी को हरा के स्पेस में जा सकते हैं। फिर वो बताता है कि ये सब मुझे नहीं पता ठीक से, लेकिन मेरा एक दोस्त है, मेरे टीचर, उन्हें पता है। फिर इंस्पेक्टर बोलता है तुम उन्हें जानते हो कहाँ है। वो बोलता है हाँ मैं जानता हूँ। फिर इंस्पेक्टर रूम का लाइट बंद करके उसे भी मार डालता है। साइंटिस्ट को मार के उसके मेमोरी चुराने के बाद वो अलेक्जेंडर के रूम में आता है उसे मारने के लिए और अलेक्जेंडर से पूछता है तुम उस जानवर के बारे में और क्या क्या जानते हो। अलेक्जेंडर कहता है करोड़ों साल पहले ये एलियन किसी तरह पृथ्वी पर पहुंचा और पृथ्वी के एटमोसफेयर पर सर्वाइव करने के लिए वो जानवरों के बॉडी और ब्रेन में पनाह लेना सीख गया और किसी तरह मुझे मिला हुआ एपमैन के अंदर जिंदा रह गया। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाता है और वो अलेक्जेंडर को मार नहीं पाता। अगले सीन में डॉक्टर और अलेक्जेंडर को पता चलता है ये जानवर सिर्फ अंधेरे में ही सबको मार रहा है। इधर प्रीस्ट इंस्पेक्टर को काउंट पेट्रोव्स्की के पास लेके जाता है। इंस्पेक्टर उससे पूछता है क्या तुम्हारा ये स्टील 10-12 हज़ार डिग्री का टेम्परेचर सह सकता है। पेट्रोव्स्की बोलता है 10-12 हज़ार डिग्री का टेम्परेचर तुम्हें पृथ्वी में कहाँ मिलेगा। वो बोलता है पृथ्वी में नहीं। इंस्पेक्टर उसे मारने ही वाला होता है, उससे पहले ट्रेन रुक जाती है और हमें कैप्टन कजान को दिखाया जाता है। फिर वो काउंट और काउंटिस को छोड़ के सब लोगों से पूछताछ करना शुरू कर देता है। फिर वो इंस्पेक्टर के पास आता है और बदतमीजी करने लगता है उससे। फिर प्रीस्ट ये देखकर उसे कहता है बेवकूफ़। ये सुन के कजान को गुस्सा आता है, फिर वो प्रीस्ट को मारने लगता है। फिर वो इंस्पेक्टर से पूछता है वो तुम्हें बचा क्यों रहा था, सच में बताओ तुम कौन हो। तभी अलेक्जेंडर कमरे का बत्ती बुझा देता है और इंस्पेक्टर का असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। इंस्पेक्टर भागने के लिए एक सिपाही पर हमला कर देता है। कजान तभी उसके पीठ में चाकू मार देता है, फिर एक गोली चलाता है, उसके बाद दूसरा गोली चलाता है। फिर कजान उसके पीछे जाने ही वाला होता है कि अलेक्जेंडर उसे रोक लेता है और कहता है अगर तुमने उसकी आंखों में देखा तो वो तुम्हारा शरीर ले लेगा। ये सुनकर प्रीस्ट उसके पीछे भागता है और उसके पास जाके बोलता है मेरा शरीर ले लो। फिर वो एलियन परजीवी प्रीस्ट के अंदर आ जाता है। फिर वो कमरे का वायरिंग काट देता है और उधर अंधेरा हो जाता है, सब लोग पीछे की तरफ भागने लगते हैं। तभी प्रीस्ट सारे सिपाही को एक एक करके मारने लगता है। फिर अलेक्जेंडर लाइट लेके आता है क्योंकि उसे पता है लाइट में उसे मार नहीं सकता। इस तरफ प्रीस्ट कजान को भी मार डालता है। वो काउंट और काउंटिस के रूम में पहुंच जाता है। फिर वो कमरे का बत्ती बुझाता है और काउंट पेट्रोव्स्की को मार डालता है। फिर वो काउंटिस को मार ही रही होती है तभी अलेक्जेंडर उधर पहुंच जाता है और प्रीस्ट से पूछता है सच में बताओ तुम कौन हो। फिर वो कहता है मैं दूसरी गैलेक्सी से आया हूँ, मैं अपनों से पीछे छूट गया और पृथ्वी में आके गिरा एक्सीडेंट की वजह से, और बाकी तो तुम सब जानते ही हो। फिर अपने ऊपर खतरा देख के जिन लोगों को उसने मारा था उन लोगों को जिंदा कर देता है जोम्बी की तरह, और वो अलेक्जेंडर और काउंटेस के ऊपर हमला करने लगते हैं। फिर किसी तरह उनसे बचते हुए वो पीछे की तरफ चले आते हैं। तब तक प्रीस्ट ट्रेन के ड्राइवर्स को मार के खुद ट्रेन चलाने लगता है। इधर डॉक्टर और बाकी सारे लोग लगेज रूम में रहते हैं। फिर वो उस कमरे को अलग करने का ट्राई करता है, तभी काउंटेस और अलेक्जेंडर उधर आ जाता है। फिर अलेक्जेंडर भी उसका हेल्प करने की कोशिश करता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है एक स्टेशन मास्टर को, उसे टेलीग्राम मिलता है ट्रेन को डिरेल करने के लिए। तब वो सोचता है शायद कोई जंग चल रहा है, तो वो ट्रेन को डिरेल करने का परमिशन देता है। रेल का पटरी चेंज होता देख प्रीस्ट घबरा जाता है क्योंकि सामने एक खाई होती है। वो ब्रेक लगाने का कोशिश भी करता है लेकिन लगता नहीं। इस तरफ अलेक्जेंडर और डॉक्टर लगेज वाले कमरे को बाकी ट्रेन से अलग कर देता है और प्रीस्ट बाकी जॉम्बी को लेकर ट्रेन के साथ गिर के मर जाता है। अलेक्जेंडर, काउंटेस, डॉक्टर और बाकी पैसेंजर ये सब ऊपर से देख रहा होता है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाता है।